साल पुरानी, 100 ईयर्स ओल्ड। तो ये है हमारी रवि अल्पाहार की आलू की कचौरी। इन्होंने डाले प्याज, ऊपर चटनियाँ डाल दी है, और आप इसको देखिएगा, ये भी एकदम खस्ता है। ये रहा इसका अंदर का माल, सिर्फ आलू है ये, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल कहीं मसाला वसाला बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। बस इसको एकदम ऐसे लेने का, लेने का बहुत अच्छा है, कटल है, पसंद आता है कोई जगह। इस जगह की एक और चीज़, ये शॉप आनंद बाजार में 34 ईयर्स ओल्ड है, और इसकी पुरानी शॉप 100 साल पुरानी, 100 ईयर्स ओल्ड। तो इंदौर में कचौरी खाने के लिए इफ यू वांट टू ईट आलू, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, द वन ऑफ द बेस्ट वन। एंजॉय। चटनी के बिना खाओ तो यू विल एक्चुअली नो द रियल टेस्ट ऑफ इट। तो ये ओम नमकीन शॉप, जहाँ पे आपको काफ़ी नमकीन मिल जाएंगे, ये बहुत फेमस शॉप है यहाँ की, इंदौर की। यू कैन टेस्ट ऑल्सो यहाँ पे हर चीज़। तो आपको यहाँ पे ना एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वैरायटी मिल जाएगी हर एक नमकीन की। जो हम आए हैं ओम नमकीन पे जोधपुरी कचौरी खाने, जो पूरे इंदौर में एक जगह मिलती है। तो ये है आलू और प्याज की, बहुत क्रिस्पी है, बहुत खस्ता है। ये है इसका, आपको जूम से आपको दिखाता हूँ मैं, हर एक लेयर आपको दिख जाएगी इसके अंदर। दाल भी है इसमें, बस ओम नमकीन कप्पन पे आना आपको। और एक और खास बात, इसको अगर आप चटनी के बिना खाओ तो यू विल एक्चुअली नो द रियल टेस्ट ऑफ इट। हैप्पी हॉगिंग। तो आई होप आप लोगों को मेरा एक कचौरी कंपाइलेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल बी बैक सून।